गरियाबंद जिले के बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कांग्रेस का धुआंधार प्रचार जारी है। दोनों पार्टी के प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बिंद्रा नवागढ़ भाजपा प्रत्याशी गोवर्धन मांझी की प्रचार रैली को ग्रामीणों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र जारी होने के बाद भाजपा कार्यकर्ता उसे जीत का ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं, तो वही माहौल को अपने पक्ष में करने कांग्रेस अब ओडिशा के नेताओं का सहारा ले रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भक्त चरण दास कांग्रेस के लिए माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। पांच बहु है, पांच बहु को लगभग 60,000 रुपया मिलेगा सालबंदी। तो इस प्रकार का योजना जो घोषणा पत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो किया गया है, उसके हिसाब से हम लोग बिंद्रा नगर क्षेत्र में बहुत वोटों से जीतेंगे। और जो प्रत्याशी है हमारा बिंद्रा नगर क्षेत्र में, तो बाहरी प्रत्याशी है, ये विधेयक बनने के बाद कौन जाएगा बलौदा बाजार वहाँ कौन जाएगा खोजने, ऐसे करके जो है ना कार्यकर्ता के मन कहना है, मतदाता का भी कहना है, कुछ भी रहे हम हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गोवर्धन मांझी जी स्थानीय प्रत्याशी है, उनको बहुत वोटों से जिताएंगे। लोगों का भरपूर समर्थन में प्राप्त हो रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं तो लोगों की भीड़ लग जा रही है और काफ़ी उत्साहित हैं लोग और सब भारतीय जनता पार्टी के, उनका समर्थन बढ़ा है, जीतते हैं। बिंद्रा नगर कांग्रेस जीत ही रहा है, आप देख रहे हो जनता का सोच। बिंद्रा नगर में कांग्रेस जीत रहा है और पूरे राज्य में 75 से ज्यादा सीट में कांग्रेस जीत रहा है और से कांग्रेस की सरकार बन रहा है। हाँ, मैंने निवेदन किया है हर कांग्रेस व्यक्ति के लिए, मैंने निवेदन किया है कि वो कांग्रेस के लिए काम करें। आप निराश नहीं, आपको कांग्रेस ने मौका दिया, आपको मौका देने के बाद आज के परिप्रेक्ष्य में आपके भाग्य में नहीं था, तो आप श्रम से अपना मेहनत से जिस तरह से 10 साल काम किया ध्रुव ने, फिर से टिकट मिला उसको, उस तरह से आप काम कीजिए। एक साल में सब कुछ पाने का, एक बार में सब कुछ पाने का सपना देखना का मतलब है आपकी विचार आपके आचार ऊपर जनता का विश्वास टूट जाए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।